आप सभी ने तो देखा ही होगा हमारी बस के साथ क्या हुआ था और इस जर्नी पर हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो तकरीबन 3 घंटे लेट है, पूरा 3 घंटे, तो मेरे को यहाँ बैठना पड़ा। अभी जो ये ट्रेन आई हुई है तो इसके पैसेंजर अपने कोचेज में जा रहे हैं, तो इनको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हूँ मैं। ये बिल्कुल नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हो। 11:23 हो चुके हैं, हमारी ट्रेन तकरीबन 2 घंटा और लेट है, तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमें बैठना पड़ेगा। ये हमारी ट्रेन से पहले वाली ट्रेन है, ये भी तकरीबन 1 घंटा लेट है, तो इसके पैसेंजर भी इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जैसे ही ये ट्रेन को मैं देख रहा होता हूँ, ये एकदम से भाई कूदता है इतनी जल्दबाजी में, और ये सारे 3-4 बंदे 5 बंदे 6 बंदे, तो भाई कितने बंदे हो, तो ये सारे सीट के चक्कर में ट्रेन चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करिए, आप एक सीट के चक्कर में अपनी पूरी जान दांव पे लगा रहे हो, तो उस बारे में भी सोचिए, ट्रेन रुकने के बाद ही चढ़िए। आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ें देखी होंगी अपने सामने, अगर आप ऐसा देखते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा रोकिए, कोई ऐसा ना करे, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये ट्रेन जा चुकी होती है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे पूरा कचरा ही फैला हुआ होता है, और इस तरह भी कोई ध्यान नहीं देता, खाते पीते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं, उस तरह भी ध्यान देते हैं। क्या ये देखिए, यहाँ पर तीन बजे मर जाते हैं, अक्सर ऐसी ट्रेन में आपको मिल जाते हैं। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी थी, तो चलिए जर्नी पर। रात काफ़ी लेट हो गई थी, तो मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे ये एंटी जी आ रखी है, और ये गुटखा सेल कर रही है यहाँ पे पूरी ट्रेन में, और यहाँ पे टीटी वगैरह भी आते होंगे, वो भी देखते होंगे, तब भी इन पर कोई पाबंदियाँ नहीं है, और इनकी एज आप खुद देख सकते हो कितनी ज़्यादा ओल्ड है, फिर भी ये सब काम कर रही हैं और ये बेच रही हैं। देख सकते हो कौन ऑथोराइज़ करता है इनको बेचने। आपने भी कभी ना कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा होगा, तो ये डेली का हो गया है ट्रेन में गुटखा बेचना, सिगरेट बेचना, ऐसा कुछ। तो रेलवे सेवा भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पे सनराइज़ हो चुका था मेरी जर्नी का, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो गेट पे देखता हूँ बड़ा सा सनराइज़ हो रखा था, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर, मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, तो उसी से मिलने के लिए हम जा रहे हैं ग्वालियर। और यहाँ पे अभी आने वाले व्लॉग में आप देखोगे जनरल कोच में जब हमें सीट नहीं मिलती, हम स्लीपर में आ जाते हैं, तो वहाँ की भी क्या हालत होती है। आने वाले ट्रेन जर्नी में आप देखोगे हमारे साथ क्या क्या होता है इस जर्नी पे ट्रेन की। सब्सक्राइब जर्नी एडिट।